आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइस मनी में जो हमें कमीशन मिलता है उस कमीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो कि हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि स्पाइस मनी में कमीशन कितना मिलता है और कितने पैसे पे कितना कमीशन मिलता है। तो मैं आपके लिए वो पूरा लिस्ट लेकर आया हूँ और एक एक करके आपको बताऊँगा कि कैसे आपका कमीशन कितना मिलता है, कितने पैसे पर कितना कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले हम अपना स्पाइस मनी के जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको दिखेगा और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये AAPS की जो यहाँ पे सर्विस दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेज जैसे ही ओपन होगा तो हमें पेमेंट वेमेंट कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब पेमेंट करने के लिए होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कमीशन देखना है। तो कमीशन के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट निकाला हुआ है जो कि स्पाइस मनी के तरफ से ऑफिशियली है। ये ऑफिशियल स्पाइस मनी के अंदर से निकलता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे निकलता है तो आप यहाँ AAPS में की सर्विस में आइए, और AAPS की सर्विस में आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कमीशन सेटिंग। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा कमीशन प्लान कि हमें प्लान क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे तीन प्लान है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। तो यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लान ए अभी मेरे जो पोर्टल है उसमें एक्टिवेट है, और इसी प्लान ए के अनुसार मुझे जितना भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ उसका कमीशन मुझे मिलता है। और नीचे एक और चीज़ है जो कि आपको पहले ही देखना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन, प्लान कैन बी चेंज मैक्सिमम ऑफ 2 times इन ए मंथ। आप पूरे महीने में इसको 2 times चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको यहाँ पे प्लान दिख रहा होगा और आप पूरे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि प्लान में क्या क्या सर्विस है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। प्लान ए, प्लान ए में आपको यहाँ पे जो सर्विस दी जाती है इसमें है 1 rupee से लेकर 199 rupees तक अगर आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से निकालते हैं पैसे तो उसमें आपको मिलने वाला जो कमीशन है वो है 0 rupees। प्लान बी में भी है 1 rupee से लेकर 199 rupees तक अगर आप पेमेंट निकालते हैं तो यहाँ पे भी है 0 rupees। फिर प्लान सी में भी है 0 rupees। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 200 से लेकर 999 तक इसके बीच में अगर आप कोई भी पेमेंट निकालते हैं तो आपको यहाँ पे 0.5 पैसे मिलेंगे, और वही प्लान सेम टू सेम प्लान यहाँ पे भी है 0.5 पैसे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ भी वही प्लान है, लेकिन जो प्लान सी है यहाँ पे एक चेंज आया है। यहाँ चेंज ये है कि 200 से लेकर 499 के बीच में यहाँ पे 0.5 पैसे आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 1000 से लेकर अगर आप 1499 तक निकालते हैं तो यहाँ आपको 1 rupee मिलेंगे। फिर प्लान बी में हमें मिलेंगे 1000 से 1499 निकालने तक 1 rupee मिलेंगे। फिर प्लान सी में हमें वही वाला रुपये निकालने में 2 rupees मिलेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्लान ए में 1500 से लेकर 1999 निकालने के हमें मिलेंगे पूरे 3 rupees। फिर यहाँ पे प्लान बी में उतने ही रुपये निकालने के लिए हमें यहाँ पे मिलेंगे मात्र 2 rupees, और वही प्लान सी में यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 rupees। उसके बाद यहाँ पे है प्लान ए में आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 2499 तक निकालते हैं तो आपको 4 rupees मिलेंगे। फिर वही प्लान यहाँ पे भी है 2000 से लेकर 2999, यानी कि यहाँ पे रुपीज़ बढ़ चुका है, और ये आप अगर आप निकालते हैं तो मात्र 3 rupees मिलेंगे। और ये प्लान बी में है, और प्लान सी में है कि 2000 से लेकर 2499 तक निकालते हैं तो आपको पूरे मिलेंगे 4 rupees। इसी तरह प्लान आगे बढ़ते जाता है, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्लान ए में 3000 से लेकर 7999 निकालने पर हमें मिलते हैं 7 rupees। इसी तरह है 3000 से लेकर 3499 तक अगर निकालते हैं तो हमें मिलता है 10 rupees,
प्लान बी में और फिर प्लान सी में 3000 से लेकर 7999 रुपये निकालते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं 7 रुपये। और इसी तरह लास्ट में हमें मिलता है 8000 से लेकर 10000 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके 10 रुपये। प्लान ए में और प्लान बी में हमें मिलते हैं 3500 से लेकर 10000 तक निकालने के हमें मिलते हैं 5 रुपये। और प्लान सी में हमें यहाँ पे मिलते हैं 8000 से लेकर 10000 रुपये निकालने के एवज में हमको मिलते हैं 8 रुपये। तो अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं तो आप वहाँ पे आपको बस यही देखना है कि आप उसमें से कौन सा बैलेंस ज़्यादा निकालते हैं। यानी कि अगर आप 2000 से लेकर 2499 रुपये निकालते हैं ज़्यादा इसी यही ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपके लिए यही वाला बेस्ट है, क्योंकि इसमें 4 रुपये मिलेंगे। प्लान ए वाला ही बेस्ट है। अगर आप वही वाला काम इसमें करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 3 रुपये मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको करना होता है कि आपको पहले देखना होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपका पैसा कितना निकालता है और वो अपना पैसा कितना निकालता है, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्लान चेंज कीजिए। क्योंकि ये प्लान हर बार चेंज नहीं होता है, महीने में मात्र 2 बार, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लान कैन बी चेंज मैक्सिमम अप टू टाइम इन ए मंथ। तो ये है हमारा स्पाइस मनी का कमीशन प्लान, ये है ट्रांजेक्शन का कमीशन प्लान। और आगे की मैं वीडियो में दिखाऊँगा कि जो हमारा वॉलेट होता है ये वॉलेट को रिचार्ज कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।